माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक कंपैरिजन वीडियो शेयर करने वाली हूँ एंड दो फाउंडेशन का रिव्यू भी करने वाली हूँ। एज यू गाइज ऑलरेडी नो, मैं बात करने वाली हूँ नायका के फाउंडेशन के बारे में। दिस इज नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन एंड द अदर वन इज नायका स्किन शील्ड एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन। दोनों ही फाउंडेशन को अप्लाई किया है एंड आप लोगों को डेमो भी दिखाया कि दोनों ही फाउंडेशन की एप्लीकेशन कैसी है, दोनों फाउंडेशन में कितना ज़्यादा अंतर है या अप्लाई करने के बाद कैसे ये दिखते हैं स्किन के ऊपर। एंड दोनों ही फाउंडेशन के बारे में आज मैं आपको इन डेप्थ बताने वाली हूँ कि कौन सा किस स्किन के लिए ज़्यादा सूटेबल है और कौन सा आपको परचेज करना चाहिए। अगर आप कोई ड्राई स्किन वाले हो वो मुझे देख रहा है, कोई ऑयली स्किन वाला है वो मुझे देख रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। इफ़ यू लाइक मन बना रहे थे, सोच रहे थे नायका का फाउंडेशन परचेज करने के लिए, तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि दोनों फाउंडेशन में से कौन सा आपको लेना चाहिए एंड कौन सा किन कौन सी स्किन के लिए ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले मैं बात करूँगी नायका स्किन जीनियस स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। यू कैन सी दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक ऑफ दिस फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड 05 गोल्डन हनी एंड दिस फाउंडेशन इज फॉर ₹575। आपको टोटल 5 शेड्स मिल जाते हैं एंड स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन विद हेलोनिक एसिड एंड पॉलीलिफ्ट फॉर अ नेचुरली रेडियंट, दिस इज बियॉन्ड परफेक्ट फॉर्मुलेटेड इन इटली। दोनों ही फाउंडेशन फॉर्मुलेटेड इन इटली फाउंडेशन हैं। अगर मैं बात करूँ इस फाउंडेशन की कवरेज के बारे में, इस फाउंडेशन की एप्लीकेशन के बारे में, सो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है, मतलब आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्किन लाइक ही आपको फिनिश देता है बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, तो आपकी स्किन को ये हाइड्रेट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो दैट्स वाई ये आपकी स्किन को, अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी स्किन लाइक फाउंडेशन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा पैची आपका फाउंडेशन हो जाता है, चाहे कुछ भी आप अप्लाई कर लेते हो, तो गो फॉर दिस फाउंडेशन बिकॉज एक तो इसका प्राइस पॉइंट बहुत सही वाला है, ₹575 इसका ओनली MRP है। उसके ऊपर भी आपको समटाइम 30-40% ऑफ मिल ही जाता है। अभी तो नायका की सेल आने वाली है, पिंक फ्राइडे सेल, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं इस फाउंडेशन को परचेज करने में बिकॉज आपको काफ़ी अच्छे से डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ इस फाउंडेशन की टेक्सचर कैसा है, तो इसका फॉर्मूला एंड टेक्सचर इज़ वेरी लाइट वेट। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक हैवी फाउंडेशंस लगाने में आपको नहीं अच्छा लगता है या आपको BBCC क्रीम्स लगानी अच्छी नहीं लगती हैं, देन गो फॉर दिस फाउंडेशन बिकॉज ये आपकी स्किन को एकदम स्किन लाइक आपको फिनिश देता है, स्किन को ग्लोई भी बनाता है। सो इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, मतलब बिल्कुल भी फाउंडेशन टिकता नहीं है लॉन्ग टाइम तक, तो आप इस फाउंडेशन को ट्राई कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड ये आपकी बहुत ज़्यादा आपको फुल कवरेज नहीं देता है, इट्स लाइक अ शेयर टू मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन। चाहे आप इसको बिल्डअप भी कर लेते हो तब भी आपको ये अच्छी खासी मीडियम कवरेज तो दे देता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फुल कवरेज इस फाउंडेशन से नहीं मिलती है। दिस इज़ अ स्किन जीनियस, इट्स लाइक मतलब स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छी सी एक लुक देता है, स्किन के ऊपर बहुत इवनली बेटर आपकी स्किन लगती है इसको अप्लाई करने के बाद, और हैवी फॉर्मूला ना होने की वजह से ये काफ़ी अच्छा ब्रीदेबल रहता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस फाउंडेशन, नायका स्किन शील्ड फाउंडेशन एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन, आपको प्रोटेक्ट करता है पोल्यूशन से। ट्रिपल एक्टिव एक्शन फार्मूला है इसमें, एंटी पोल्यूशन, डिहाइड्रेशन, ऑयल कंट्रोल एक्शन। नाउ यू गॉट माई पॉइंट कि ऑयल कंट्रोल, अब जहाँ पे ऑयल कंट्रोल आ गया विच मीन्स अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। 30 ml 30 ml दोनों में ही आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिल जाती है एंड दिस इज़ फॉर ₹799 एंड आई एम इन द शेड 10 गोल्डन आर। एंड अगर मैं बात करूँ इस फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी एंड कवरेज के बारे में, ये आपको मीडियम टू बिल्डेबल फुल कवरेज फाउंडेशन, मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज आपको देता है। एज सच इतनी ज़्यादा फुल कवरेज इससे भी मत एक्सपेक्ट करना। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स या पिंपल्स ब्लेमिशेस नहीं है तो ये आपको बहुत अच्छी फुल कवरेज फाउंडेशन, फुल कवरेज मिलेगी इस फाउंडेशन से। अगर मैं बात करूँ स्किन जीनियस की कवरेज के बारे में, लाइक अगर आप अगेन वही मैं बोलूँगी, अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स, लाइक मी मेरे स्किन के ऊपर थोड़े से एक्ने मार्क्स है, अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने मार्क्स नहीं है, ब्लेमिशेस वगैरह नहीं है, तब आपको ये मीडियम अच्छी खासी कवरेज देगा, आप इसको बिल्डअप कर सकते हो। दिस फाउंडेशन इज़ लाइक मीडियम टू बिल्डेबल फुल कवरेज फाउंडेशन। Make your skin defense game strong with Nykaa Skin Shield Anti-Pollution Foundation formulated with triple active action formula and antioxidants. This Hydra-based foundation creates a natural shield to protect your skin from the ever-increasing city pollution, whether it is the airborne pollution, UVs, or daily exposure to blue light. Nothing stands a chance with this shield. Trust this ingenious foundation. Do the work for your skin while you take on the day. Okay, so ye matlab अगर हम डिस्क्रिप्शन की, जैसे मैंने इसके ऊपर रीड किया है तो इसमें लिखा हुआ है कि चाहे
आपके आसपास में कोई पोल्यूशन है, चाहे आपकी हवा में कोई पोल्यूशन है या फिर आपको कोई यूवी रे से, ये हर चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करता है। सो मेक श्योर करना फिर भी एक अच्छा सा सनस्क्रीन ज़रूर से अप्लाई करना बिफोर अप्लाइंग एनी फाउंडेशन, चाहे कोई एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन हो। और अगर मैं बात करूँ इस फाउंडेशन की कवरेज के बारे में एंड कितना ये स्टे करता है, और ये आपको ना 7 से 8 घंटे बहुत अच्छे से स्टे करता है फाउंडेशन, और बहुत आई वुड से दोनों ही फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से स्टे करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंसिस्टेंसी, अकॉर्डिंग टू देयर लाइक टेक्स्चर एंड फॉर्मूला, दोनों ही काफ़ी अच्छे से स्टे करते हैं। आपकी स्किन को ये ज़्यादा ग्लोई बनाता है, ये आपकी स्किन को ज़्यादा मैटिफाइंग लुक देता है। सो बेसिकली इफ़ यू आर अ ड्राई स्किन पर्सन तो आपको ये वाला फाउंडेशन ट्राई करना चाहिए, स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग वाला। अगर आप ऑयली स्किन है आपकी, एक्सेस में ऑयली है, तो आप इस फाउंडेशन को ट्राई कर सकते हैं। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन एज वेल, बिकॉज ये मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मेरी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से स्टे करता है। बट मेक श्योर करना कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले ना बहुत अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए, टोनिंग करनी चाहिए, लाइक CTM रूटीन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी किसी भी फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन विल गिव यू अ शेयर टू मीडियम कवरेज एंड दिस फाउंडेशन विल गिव यू मीडियम टू बिल्डेबल फुल कवरेज। नायका स्किन जीनियस में आपको 5 शेड मिल जाते हैं, टोटल 5 शेड्स मिल जाते हैं, एंड स्किन जीनियस में आपको टोटल 15 शेड्स मिल जाते हैं। सो यू हैव गुड रेंज ऑफ शेड्स इन बोथ ऑफ देम। बट अगर मैं बात करूँ इस फाउंडेशन के बारे में, आपको ये वाला मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगी इंस्टेड ऑफ दिस फाउंडेशन, बिकॉज थोड़ी सी जैसे हमारी स्किन के ऊपर अगर हम फाउंडेशन क्यों लेते हैं, हम फाउंडेशन लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी कवरेज मिले हमारी स्किन के मार्क्स वगैरह, या कुछ किसी चीज़ को लाइक कलर करेक्शन करने के लिए ना, हमारी स्किन को थोड़ा सा इवन बेटर दिखाने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये वाला फाउंडेशन ट्राई करने के लिए। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, आपने एक ही बार में अच्छा सा फाउंडेशन लेना है, अगर आप नायका का कोई फाउंडेशन ट्राई करना चाहते हो देन गो फॉर दिस फाउंडेशन स्किन शील्ड वाला, मुझे इससे ज़्यादा ये वाला फाउंडेशन ज़्यादा अच्छा लगा। एट दी एंड चॉइस इज़ टोटली योर्स, मैंने दोनों के ही बारे में आपको बता दिया, मेरा फेवरेट भी ये वाला है ये भी बता दिया, और शेड रेंज बता दिया, प्राइस पॉइंट इज़ वेरी लाइक काइंड ऑफ अफोर्डेबल। आई होप आप लोगों के लिए छोटा सा रिव्यू काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, कॉमेंट डाउन करके फीडबैक जो से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।